दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिनव प्रताप सिंह लोग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो ये होने वाली है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की वीडियो। जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये देवबंद ननौता रोड है। इसके सामने ननौता है और इधर पिछली तरफ है देवबंद। ये भी डबल लाइन के लिए पास हो चुकी है, नहीं एक हिसाब से फोर लाइन के लिए बताया जा रहा है। इस पर काम चालू होगा दिवाली के बाद, जैसा भी होगा बता देंगे। जैसे आप अभी सामने ये देख पा रहे हो तो इस प्रकार के थोड़ा बहुत यहाँ पे चोरी ग्रस्त हुआ था मानना प्रताप चौक पे। ये बड़गांव यहाँ से है, मतलब इधर सहारनपुर और रामपुर जा सकते हैं, और ये मानना प्रताप चौक और आगे ये इधर ननौता के लिए। आपको पूरा दिखाऊंगा मैं कि कितनी दूर यहाँ से पड़ता है। थोड़ा फेस्टिवल्स आने वाले हैं इसलिए जाम का है मामला, बस थोड़ा थोड़ा इसीलिए यहाँ पे चौड़ीकरण होने के लिए है बात। ये आपका बड़गांव का थाना, सामने आप ऊपर देख भी सकते हो ननौता 11 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये रोड माजरा जड़ौदा पांडा चली जाती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिनव प्रताप सिंह लोग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो ये वीडियो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर होने वाली है। इधर ननौता पड़ता है, इधर देवबंद, जैसे आपने पिछली क्लिप देखी होगी, और उसके अगले से अगले दिन की है ये। मतलब आज तारीख में अगर बताऊँ आपको तो 19 अक्टूबर 2024। वीडियो आपको ये एक दो दिन के अंदर मिल जाएगी, 20-21 अक्टूबर तक मिल जाएगी। दो तीन वीडियो मिलने वाली है। इससे पहले आपने वो भी देखा होगा, क्या कहते हैं ये देवबंद वाला एक जो रेलवे ब्रिज के ऊपर वो बन रहा है, रेलवे लाइन के ऊपर पुल बन रहा है। फिर उसके उससे मैंने बताया था आपको पहले भी कि ये हाईवे, मतलब ये भी हाईवे के लिए पास है चौड़ीकरण के लिए। तो इस पर भी बताया जा रहा है दिवाली के बाद काम चलेगा, जहाँ से बाइक जाती दिख रही है आपको। बाकी यहाँ पे ना ये काम इंटरचेंज की वजह से रुका हुआ था, कि कहते हैं कि इंटरचेंज चाहिए था यहाँ के बंदों को, जो कि बात सही है, क्योंकि आने वाले टाइम का ये हाईवे है जो कि पास है, और इस पर काम भी बता रहे हैं कि दिवाली के बाद शुरू होगा। तो अगर इंटरचेंज मिल जाए, यहाँ पे एक मिड पॉइंट बैठता है लगभग में, यानी दिल्ली यहाँ से हद से हद 1 घंटा दूर पड़ेगा इसके बन जाने के बाद, अगर यहाँ पे कट मिलता है तो ये काम पिछले कुछ महीनों से इसलिए ही बंद था। और प्लस मेन बात ये भी थी, मेरा फ़ोन पुराना हो चुका था, उसमें स्टोरेज इतनी नहीं थी कि मैं जो वीडियो बना के एडिट कर दूँ। अब मैं इसमें वीडियो बना के एडिट कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे दोबारा से काम शुरू हो चुका है, लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया। ये भी बन के रेडी हो चुके जो हैं पियर, और पियर के ऊपर पियर कैप दोनों चीज़। अभी इंटरचेंज कैसे देंगे या कैसे नहीं देंगे इसका मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ये काम इस शर्त पे चालू हुआ है कि इंटरचेंज मिलेगा। अगर हम जो यहाँ पे बंदे ये बैठे हुए हैं इनसे पूछें तो इन्हें कुछ नहीं पता है, ये तो मना करते हैं, क्योंकि इन्हें जवाब देना नहीं होता या कुछ भी, मतलब इनकी मर्जी है। इन्हें पता नहीं होगा तो बताएंगे, नहीं पता होगा तो भी नहीं बताएंगे, मर्जी है। बाकी यहाँ पे भराव का कार्य शुरू हो चुका है।
ये रेतीली मिट्टी आ रही है। शुरुआत के टाइम पे भी यही गिरी थी यहाँ पे, जब यहाँ पे काम शुरू हुआ था ऐसा लग रहा था कि ये वाला पहले बन जाएगा और वो वाला बनेगा नहीं। इंटरचेंज पता नहीं इसमें किस प्रकार का दिया जाए तो, लेकिन कार्य इसी शर्त पे शुरू हुआ है जो बताया जा रहा है। पक्का अभी कुछ नहीं है कि इंटरचेंज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। दिया जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ये भी मैं फिर से कह रहा हूँ आने वाले टाइम का हाईवे है। बताया जा रहा है दिवाली के बाद कार्य शुरू होगा। ये टिप्पर जा रहे हैं डंपर, आप देख सकते हो, अभी तो नहीं मिट्टी लेके आ रहे भी होंगे तो वो पिछली तरफ गिर रहे होंगे। बाकी साइड की इस प्रकार की वॉल तैयार हो चुकी है, इनको इग्नोर करना है तो बस क्या ही कहें। बाकी ये कुछ ऐसा है, इसका मिट्टी का काम ही चल रहा है, डंपर भर भर के आ रहे हैं। वही वाली रोड है, देव इधर ननौता पड़ता है, इधर देवबंद पड़ता है, उस तरफ देहरादून है आगे और इस तरफ ये आपका दिल्ली। मेरे ख्याल से अगर मैं जूम करूं शायद वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अगर दिख जाए इसमें तो। हाँ 97+04 कुछ लिख रहा है। वैसे तो 210 किलोमीटर का पैकेज है, यानी ग्रीन फील्ड एरिया, मतलब टोटल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे 210 किलोमीटर का है, जिसमें से ये ग्रीन फील्ड एरिया का पैकेज 4 का बड़गांव से है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। उस तरफ से भी दिखाऊंगा, उस तरफ से तो मैक्सिमम कंप्लीट ही हो चुका है, रामपुर रोड से जो बड़गांव से रामपुर जा रही है, जैसे ये इस वक्त नानोता की तरफ जा रही है कार, इस तरफ देवबंद पड़ता है। बाकी यहाँ पे मिट्टी का ही काम है और तो ऐसा कुछ खास है नहीं। बने रहिए बिना प्रताप सिंह लोग के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। अब दोबारा से वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी, एक साल से पीछे बंद था, यानी शॉर्ट वीडियो ही डाली मैंने, कभी कभार डाल दी, जो अब लॉन्ग भी आएंगी और शॉर्ट भी आएंगी। पिछली वीडियो तो भूल जाइए, लेकिन अब नई नई वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। अब इसमें SD कार्ड नहीं डला, SD कार्ड में पड़ा हुआ है मेरा सारा मटेरियल पिछला, उसे एडिट करके भी मैं डालने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद। रामपुर वाली रोड से भी मैं क्लिप दिखा सकता हूँ, इसमें ही एडिट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं रामपुर रोड है ये, सामने रामपुर पड़ता है, इधर अपना बड़गांव पड़ता है, और यहाँ का कार्य कुछ इस प्रकार से इतना हो चुका। मिट्टी का काम यहाँ पे मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका, वहाँ पे टिप्पर लग रहा है, फोक लाइन मशीन भी लग रही है, और अभी अभी 2 JCB ऊपर की तरफ भी गई हैं, एक तो सामने से यहीं से ही आई और एक इधर इस तरफ से आई। क्या पता किसी के प्राइवेट काम करने जा रही हो, प्राइवेट भी हो सकती हैं। अगर रास्ता पास पड़ता है फोर मतलब ट्रैक्टर टाइप ही है वो, तो कहीं भी चढ़ जाती है JCB तो। बाकी यहाँ का तो बस कुछ इतना ही है, कंप्लीट ही हो चुका, आपके सामने ही है। ये पेड़ उन्होंने छोड़ दिया, दिक्कत तो करेगा नहीं, दिक्कत करेगा तो बाद में काट देंगे। बाकी ऊपर का कुछ ऐसा कार्य है, ये डंफर भी मेरे ख्याल से इधर ही जाएगा शायद। बस कुछ यही है, मिट्टी का काम चल रहा है, ऊपर जाना जा मैं अभी सकता नहीं हूँ। हाँ वो उधर से दिखा सकता हूँ, ऊपर चढ़ के आपको ऊपर जगह हुई, उधर से तो है। मिट्टी का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें JSP और रिकॉर्ड वो भी ऊपर ही जा रहा है, मैं आपको ऊपर ही जा कर दिखाता हूँ शूट कर सकता हूँ तो। तो ये मैं रामपुर रोड की तरफ से ऊपर चढ़ चुका हूँ, मिट्टी के डंपर जा रहे हैं, आगे एक ट्रैक्टर भी आ रहा है, गाड़ी भी खड़ी है। और कुछ ये है, आगे तक सड़क बन चुकी है, देखते हैं मिट्टी कहाँ से लेकर आ रहे हैं, थोड़ा आगे तक चल कर दिखाता हूँ। बीच में पेड़ पौधे भी लग चुके हैं, देख सकते हो आप, सड़क भी गिर चुकी। ये रास्ता है खेत वालों के लिए जो उनका खेत है, ऐसी बाउंड्री वॉल भी हो चुकी है हर तरफ से। मैंने ज़्यादातर आपको वहाँ से भी दिखाया है, आज से एक साल पहली बात है लगभग, इस तरफ ही हमारे खेत पड़ते हैं आगे जाके। तो देखो एकदम एक नंबर सड़क बन चुकी है, आज तो ट्रक वाले आराम से भगा के ले जा रहे हैं, यानी सेफ्टी के साथ ले जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
आपको आगे से दिखाता हूँ। तो वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। अभिनव प्रताप सिंह वो लोग कुछ इस प्रकार से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की ये पहली वीडियो थी, और भी धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी। अब हर रोज़ शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो आती रहेंगी अभिनव प्रताप सिंह के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।